खबर का सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। फरीदाबाद में जमीन घोटाले की जांच तेज कर दी गई है। ईडी के चार्जशीट में प्रियंका वाड्रा का जिक्र किया गया। प्रियंका वाड्रा को आरोपी नहीं बनाया गया है। और आपको बता दें कि फाइनेंशियल जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। संजय भंडारी का करीबी है थम्पी। 2006 में फरीदाबाद में खरीदी गई थी जमीन और थम्पी के करीबी एचएल पाहवा से जमीन खरीदी गई थी। रॉबर्ट वाड्रा ने 4.8 एकड़ जमीन खरीदी थी और 2010 में वाड्रा ने पाहवा को वापस जमीन बेच दी थी। और इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम सामने आया है। हालांकि दोनों को आरोपी नहीं बनाया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर जमीन घोटाले की जांच तेज कर दी गई है और ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया गया है। तो दिसंबर 2010 में जमीन पाहवा को वापस बेच दी गई थी और 2006 में प्रियंका के नाम पर भी जमीन खरीदी गई थी। अमीपुर गांव में अप्रैल 2006 में ये पहले जमीन खरीदी गई और उसके बाद में दोबारा से 2010 में बेच दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, चार्जशीट में और क्या बड़े खुलासे हुए हैं? साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा का भी जो नाम सामने आया है, इन दोनों की आखिर क्या भूमिका है? कि प्रियंका गांधी का नाम अभी आरोपी के तौर पे नहीं आया है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों पहले ईडी के द्वारा जो चार्जशीट दायर किया गया है, उस चार्जशीट में कई जगहों पर प्रियंका गांधी के नाम का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो यह मामला जिस तरह से हरियाणा के कुछ प्रॉपर्टीज को जो जिस तरह से खरीदने बेचने की बात आई थी, इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया था। रॉबर्ट वाड्रा का संबंध एक एनआरआई कारोबारी है सीसी थम्पी, उसके साथ में आया। और सीसी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा का उसी कनेक्शन में एक संजय भंडारी नाम का एक शख्स का नाम भी सामने आया। संजय भंडारी जो आर्म्स का सप्लाई करता है, इसके साथ ही कई ऐसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, ब्लैक मनी के मामले को अंजाम देने में संजय भंडारी का नाम है। संजय भंडारी जो साल 2016 में भारत में कई जब केसेस उसके खिलाफ दर्ज हुए थे, तो 2016 में वो भारत छोड़ करके विदेश में जाके बस गया था। इस वक्त में वो ब्रिटेन में है। तो एक तरह से कह सकते हैं सीसी थम्पी, संजय भंडारी और एक एचएल पाहवा नाम का एक रियल एस्टेट का कारोबारी है जो गुड़गांव और दिल्ली में प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री करता था। तो इन तमाम आरोपियों के बीच में जो नाम एक कॉमन नाम सामने आया वो रॉबर्ट वाड्रा का, कि रॉबर्ट वाड्रा का भी कनेक्शन जो है कहीं कहीं इन आरोपियों के साथ में रहा है। उसके साथ में कई जो कारोबारी संबंध है तो उसके साथ में जुड़ता हुआ नाम आया। तो इस मामले पर जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया, हालांकि रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में कई बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के संबंध की वजह से अब प्रियंका गांधी का नाम भी अब चार्जशीट में कई जगहों पर देखने को मिला है। तो अब देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से हमारे सूत्र भी बताते हैं कि जब प्रियंका गांधी का नाम का जिक्र हुआ है तो निश्चित तौर पर जांच एजेंसी उन तमाम मामलों की पड़ताल के लिए और विस्तृत तौर पर जानकारी के लिए प्रियंका गांधी को भी समन भेज सकती है और उन्हें भी पूछताछ की बुलाई। शंकर आनंद, दोनों को आरोपी नहीं बनाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि बार बार प्रियंका गांधी का नाम का जिक्र इसमें किया गया है, तो क्या रोल था, क्या भूमिका रही इस बात की, क्या जानकारी मिल पाई है और क्या इन दोनों से भी पूछताछ कर सकती है अब आगे टीम? देखिए, जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि अगर अभी तक किसी को आरोपी पूर्ण तौर पे नहीं बनाया गया है तो ऐसा नहीं है कि बाद में जो चार्जशीट दायर होगा, बाद में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगा तो उसमें उनको आरोपी नहीं बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सबूत हाथ में लगते हैं या महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आती है तो उनका नाम भी एक आरोपी के तौर से बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दायर किया जा सकता है। तो अभी रॉबर्ट वाड्रा का जो कनेक्शन है निकल के, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जिस तरह से संगीन आरोप लगा, उस मामले में काफी इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ चुका है, कई राउंड उनसे पूछताछ की जा चुकी है। और प्रियंका गांधी के नाम का अगर बात करें तो उनसे इस बात को जाना जाएगा कि जो तमाम जो बड़े जो नाम जिन आरोपियों का जिक्र कर रहे हैं, क्या उनको वो जानती है या नहीं, क्योंकि उनके पति के साथ में उनके कनेक्शन निकल के सामने आए हैं। क्या ऐसे कोई संबंध, ऐसे कोई व्यापारिक संबंध या व्यापारिक लेन देन का जिक्र रॉबर्ट वाड्रा घर में करते थे या नहीं करते थे, या किस तरह के संबंध में आपस में उनको, क्या आप जानते हैं नहीं जानते हैं? तो इस तरह के जो सवालों की जो फहरिस्त है वो निश्चित तौर पर इस तरह के सवालों की फहरिस्त तैयार की जा सकती है और प्रियंका गांधी को बुलाया जा सकता है।
और उनसे इन तमाम मामलों में पूछताछ की जा सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल, शंकर आनंद टीम तो आगे पूछताछ करेगी ही, जो प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद में भी राजनीति में उछाल भी देखा जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो कानपुर से मिल रही है। पान मसाला फैक्ट्री पर जीएसटी रेड डाली है और कल से लगातार ये छापेमारी चल रही है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फैक्ट्री पर छापेमारी जारी है। वित्तीय लेन देन में हेराफेरी की जांच चल रही है। अधिकारियों ने फैक्ट्री में दस्तावेज और साथ ही कंप्यूटर खंगाले हैं। टीम ने कई डिजिटल डिवाइस कब्जे में ले लिए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पान मसाला फैक्ट्री जहां पर जीएसटी की टीम कार्रवाई कर रही है और साथ ही कई ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि अपने कब्जे में लिए हैं टीम ने और जांच की जा रही है। तो हेरा फेरी की जानकारी मिली थी जिसके बाद में जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने फैक्ट्री में दस्तावेज और साथ ही कंप्यूटर भी खंगाले। टीम ने कई डिजिटल डिवाइस भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। जरा जानकारी के साथ में अमित गंज जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, पान मसाला फैक्ट्री पर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है और साथ ही कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने की भी बात कही गई है, डिजिटल डिवाइस भी अपने कब्जे में लिए हैं। पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, जीएसटी की टीम के हाथ अभी तक क्या कुछ बड़े एविडेंस मिले हैं? देखिए अमित जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जीएसटी की टीम ने पिछले एक महीने में चार मसाला कारोबारियों के छापेमारी की और कई चीजें दस्तावेज तक उनके यहाँ से अपने कब्जे में लिए, इन सही घड़ी में कल एक बार फिर से जीएसटी की तीन सदस्य टीम जिसमें 10 से 12 अधिकारी बताए जा रहे हैं, उन्होंने रात भर इस पूरी छापेमारी को अंजाम दिया। पूरी रात भर प्रोसीडिंग्स चली है, चाहे वो लैपटॉप, 3 कंप्यूटर्स को पूरा खंगाला गया, 27 ऐसी फाइलें जो हमारे सूत्र बताते हैं उनको चेक किया है, उसके बाद डिवाइसेस लिए हैं, ऐसी तमाम चीजें अपने कब्जे में लिए, क्योंकि जो स्टॉक है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो ईयर्स में स्टॉक को मेंशन किया था उसी के बिहार पर टेक्स स्टोरी कहीं ना कहीं मेंशन होती है। अब जब ये जाके वाइंड अप होगी तब जाके पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट नगर में इस प्रतिष्ठान पर जो कारोबारी है जो छापेमारी उसमें क्या फैक्ट्स निकल के है, मगर इन सबके बीच अभी फिलहाल छापेमारी जारी है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम राज्य कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक कोहरे और शीतलहर का सितम जारी रहेगा। तापमान में भी भारी गिरावट की उम्मीद है। यूपी के कई जिलों में पारा लगातार लुढ़क रहा है और कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, हर जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। कोहरे के कारण सड़क हादसे भी बढ़ गए हैं और खराब मौसम के चलते जो असर है इसका फ्लाइट पर भी देखा जा रहा है और दिल्ली हवाई अड्डे पर 134 फ्लाइट पर कोहरे का असर देखने को मिला है। कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही है और वहीं आज 22 ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंची हैं और वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर 8 फ्लाइट रद्द कर दी गई और 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। और मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक कोहरे का असर बना रहेगा और ठंड भी लगातार बढ़ने की उम्मीद है। घने कोहरे और भीषण ठंड को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। देश का करीब आधा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में है। ऐसे में यातायात सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हैं। ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, हवाई सेवाएं भी प्रभावित हैं, वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। इस दरमियान जरा सी भी असावधानी दुर्घटना का कारण बन रही है, लिहाजा लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि वाहन चलाते समय गति को नियंत्रित रखें और साथ ही बाहर निकलते वक्त ठंड का भी बचाव रखें। अगर दिल्ली की बात करें तो आप दिल्ली की स्थिति देख सकते हैं, किस तरीके से आसमान में कोहरा और धुंध छाया हुआ है, यानी दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक चल रहा है। यहाँ पे प्रदूषण का लेवल भी 400 के पार बना हुआ है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बनी हुई, खासकर हृदय और सांस रोगियों को ऐसे में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस समय अस्थमा अटैक और हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा वो डॉक्टर से समय समय पर परामर्श लेते रहें और अपनी दवाएं बिल्कुल ब्रेक ना करें। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।
आजमगढ़ में भी कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां पर नेशनल हाईवे 233 पर खड़ी पिकअप में पीछे से कार ने टक्कर मार दी और टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए हैं और कार सवार सभी तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक कार सवार आजमगढ़ से अयोध्या जा रहे थे और इसी दौरान अतरोलिया थाना इलाके के तेजपुर गांव के पास में हाईवे पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो कार सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और साथ ही आपको कार की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं और साथ ही जो तीन लोग उसमें सवार थे वो घायल हो गए। बुलंदशहर में भी कोहरे के कारण हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 334 पर 9 गाड़ियां आपस में टकरा गई और एक के बाद में एक गाड़ियां ट्रक से टकरा के चली गई, जिसके कारण में बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला और कम विजिबिलिटी के कारण यह हादसा हुआ है। घटना थाना गुलावठी कोतवाली इलाके में छपरावत स्टैंड के पास की बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, तो बुलंदशहर NH 334 पर हादसा हुआ, कोहरे के कारण 9 गाड़ियां आपस में टकरा गई, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी जिसके चलते ये टक्कर हुई।